नमस्कार दोस्तों, मैं हम सूर्य, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। 2023 ईद में सलमान खान तो आ गए, किसी का भाई किसी की जान रिलीज कर दी, लेकिन ईद 2024 में कौन सी फिल्म आने वाली सलमान की, इस बारे में आपके मन में सवाल होगा। चलिए थोड़े आपके मन के सवालों को सुलझा दिया जाए। यह दोस्तों खबर ये आ रही कि दो दिन पहले भी खबर आई थी, करण जौहर एक फिल्म के लिए अप्रोच कर चुके हैं सलमान खान को, और उस खबर में एक और अपडेट अब आ रही है कि करण जौहर एक फिल्म को लेकर अप्रोच कर चुके हैं सलमान खान को, और सलमान खान ने भी उस पर अपनी रजामंदी दे दी है लगभग। अब ये फिल्म जो होगी, इसे डायरेक्ट करने वाले हैं शेरशाह, जो फिल्म थी उसके डायरेक्टर विष्णुवर्धन। जी हाँ दोस्तों, साउथ के डायरेक्टर है विष्णुवर्धन। इन्होंने 2021 में शेरशाह फिल्म डायरेक्ट की थी सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर, और फिल्म काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। तो वो जो फिल्म है उसके डायरेक्टर विष्णुवर्धन को अप्रोच किया गया है करण जौहर द्वारा, और करण जौहर बैकअप करेंगे प्रोजेक्ट, सलमान खान फीचर करेंगे। कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शुद्धि, सुना होगा शुद्धि, सलमान खान के साथ करण जौहर बहुत पहले ही करने वाले थे, तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट भी हो सकता है, अभी तो कुछ फिक्स नहीं है। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप कितने सरप्राइज है, शौक है कि करण जौहर सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रही है, बड़ी बात है। विष्णुवर्धन उसके लिए डायरेक्टर होंगे, और हाँ ये फिल्म ईद 2024 में आने वाली है। तो आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। बाय।